नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को आज मैं आप लोगों के साथ में हनुमान चालीसा का एक बहुत ही आसान सा उपाय शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, हनुमान चालीसा। अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियो पर बने रहते हैं, तो आप देखेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपाय, ज़्यादा से ज़्यादा टोटके हनुमान जी के ही बताती हूँ। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन करने वाले ही बताती हूँ, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो कलयुग में भी धरती पर हमारे बीच में मौजूद हैं। इनको अगर हम मना लेते हैं, हमारे हर बिगड़े काम बनते जाते हैं। वैसे तो अगर हनुमान जी की कृपा हम पर रहती है तो कोई काम अधूरा रहता ही नहीं है, मन में कोई इच्छाएँ रहती नहीं है, क्योंकि होने से पहले पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही असरदार उपाय आपको बता रही हूँ, बहुत ही असरदार टोटका बता रही हूँ, तो आपको करना है, जिससे आपकी हर मनोकामना कितनी भी मुश्किल वाली हो, कितनी भी कठिन वाली हो, बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है आपके साथ में शेयर करती हूँ। दोस्तों आज का ये जो उपाय है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ कुछ इस तरह से करना है, जिससे आपकी इच्छा होगी पूरी, हनुमान जी होंगे आपसे प्रसन्न और सभी इच्छाओं को कर देंगे पूरी। तो कैसे करना है हनुमान चालीसा का पाठ, आपको क्या करना है, पूरे 21 दिनों तक एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। लगातार 21 दिनों तक हम इसका जाप करेंगे। हनुमान चालीसा है, उसे हमको पाठ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें रटी हुई है तो हम रटी हुई बोलेंगे, नहीं, हमारे हाथ में हनुमान चालीसा की जो किताब होती है वो होनी चाहिए और हमें उसका पाठ करना है। कैसे करेंगे, आप सवेरे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा करें उसके पहले आप स्नान करें, ठीक है। तो मोस्टली हम सभी सुबह स्नान करते हैं, सवेरे ही नहाते हैं, तो सवेरे नहाने के बाद में, नित्य कर्मों के से फ्री होने के बाद में, स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने घर में, जहाँ पर भी मंदिर है, जो पूजा स्थल है, जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर दीपक लगाएंगे और सबसे पहले श्री राम जी को याद करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हमें राम जी को प्रसन्न करना होगा। तो सबसे पहले राम जी को नमन करेंगे, राम परिवार को नमन करेंगे, उसके बाद में हम हनुमान जी से आह्वान करेंगे कि हम उनका पाठ कर रहे हैं, आप हमारे इच्छा को पूरी करने में हमारी मदद करें। तो अब ऐसा कहने के बाद में फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आपको हनुमान चालीसा याद भी है तो भी आप उसे देखते हुए ही पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक शब्द का मतलब समझते हुए। वैसे तो हनुमान चालीसा का अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर फिर भी जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि उनके जो एक एक शब्द है उसका आपको अर्थ समझ में आ सके। इस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद में हनुमान जी को कुछ भी मीठा प्रसाद लगाएं आप भोग में। आप चाहें तो गुड़ चने का प्रसाद लगा सकते हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप सिर्फ गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, मतलब आपको हनुमान जी को कुछ मीठा अर्पित करना है, ठीक है। तो इतना सा आप प्रसाद लगा लें भगवान को और फिर उसके बाद में उस प्रसाद को आप भी ग्रहण करें। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करें, ठीक है। 21 दिनों तक पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और रिजल्ट आप खुद देखें, खुद कहेंगे कि चमत्कारी रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो भी काम है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो ज़रूर होगी पूरी, आपके सभी काम बनते जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से आप कीजिए और फिर जब रिजल्ट मिलेगा मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।